हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की मसाला मठरी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी है। इस रेसिपी को आप बनाकर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 10 से 12 दिन तक खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू की मसाला मठरी बनाने की सामग्री है: 2 बॉयल किया हुआ आलू, 1 कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, तेल, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 कप सूजी है बारीक वाली, आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। बड़े बॉल में मैदा डालेंगे, गेहूं का आटा डालेंगे, बारीक वाली सूजी डालेंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, मोटी वाली सूजी है, तो आप मिक्सी के बर्तन में डालकर थोड़ा सा पीस लीजिए, बारीक हो जाएगी, फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तिल डालेंगे, जीरा, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे। दोनों आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। सारे सामग्री को हम बिना पानी के मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने बिना पानी के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। सख्त डो हमारा तैयार है। थोड़ा सा तेल डालेंगे और डो को चिकना कर लेंगे। तेल लगाकर डो को हमने चिकना कर लिया है। अब हम मठरी बनाएंगे। चकले पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरह से हम डो में से थोड़ा सा डो लेंगे और छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे और बेलेंगे। इस तरह से हम पतला बेल कर तैयार करेंगे। कांटे वाले चम्मच से हम इस तरह से छेद करेंगे ताकि पूरी हमारी तेल में फूले ना। इसी तरह से हम सारे पूरियों को तैयार करेंगे। मठरी को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मठरी को हम इस तरह से तेल में डाल देंगे और अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मठरी को हमने अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम मठरी को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के बचे हुए मठरी को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मठरी कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।